वल्लभ महाविद्यालय मंडी में नए सत्र के लिए एडमिशन का दौर शुरू हो गया है। महाविद्यालय में इस बार 6500 प्रोस्पेक्ट्स लाए गए हैं, जिसमें से अब तक 3200 प्रोस्पेक्ट बिक चुके हैं। एडमिशन की अंतिम तिथि 24 जून तक रखी गई है और 24 जून के उपरांत मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। सूची जारी होने के बाद जिन जिन विषयों की सीटें खाली बच जाएंगी, उन पर पुनः एडमिशन का दौर शुरू किया जाएगा, जो कि 30 जून तक चलेगा। ये जानकारी स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य अशोक अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि एडमिशन को लेकर विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। अंडर ग्रेजुएट क्लासेस की जो एडमिशन का प्रोसेस है, इस महाविद्यालय में 15 जून से शुरू हो चुका है और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है, उनको 23 तारीख तक अपने फॉर्म इस महाविद्यालय में जमा करवाने हैं और 25 तारीख को सुबह 10 बजे जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी और उसके बाद काउंसलिंग होगी। जो फिजिकल साइंस की जो काउंसलिंग होगी वो हमारी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होगी और जो लाइफ साइंसेज की जो काउंसलिंग होगी वो बॉटनी डिपार्टमेंट में होगी और जो आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं छात्र, उनकी काउंसलिंग जो स्टाफ रूम में होगी और कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनकी काउंसलिंग जो है 25 तारीख को वो कॉमर्स का जो स्टाफ रूम है वहां पर होगी। और मेरा जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उनसे मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि वो कोशिश करें कि उसी दिन अपनी फीस जमा करवाएं और उनको फीस जो है वो 27 तारीख तक जमा करवानी है और 27 तारीख शाम को ही जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जाएगी और जो बच्चे सेकंड मेरिट लिस्ट में आएंगे या हमारे पास जो सीट्स बच जाएंगी, जितनी सब्सिक्वेंट हमारी मेरिट लिस्ट लगेंगी, वो 30 तक जो है उन्हें अपनी फीस जमा करवानी है। और फिलहाल 30 जून के बाद किसी की भी एडमिशन नहीं होगी, ये आदेश में सरकार से मिले हुए हैं और जिसमें दिशा निर्देश जो है माननीय उच्च न्यायालय के हैं। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कल तक इस महाविद्यालय में जो प्रोस्पेक्टस हैं वो लगभग 3200 बिक चुके हैं और जो बच्चे हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज BCA और BBA में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो 23 तारीख तक अपने यहां पर आवेदन दे सकते हैं।